आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक दिलारी स्थित मानपुर साबित गांव पड़ा। लगभग 2500 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में श्रीमती अफरोज जहां इस गांव की प्रधान है, जिन्होंने गाँव में विकास को पटरी पर लाकर खड़ा करा है। इस ग्राम पंचायत में कुल वोटरों की संख्या 1600 तो वहीं राशन कार्ड धारकों की संख्या लगभग 461 नजर आती है। बात अगर गाँव में आने वाले लाभों की करें तो इस गांव में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को ग्राम प्रधान द्वारा पूरा लाभ मुहैया कराया जाता है। प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस टीम से बात करते हुए बताया कि गांव में पानी की आपूर्ति कराने के लिए उनके द्वारा लगभग 28 हैंडपंप लगवाए गए हैं, वहीं 22 हैंडपंपों की अभी भी सरकार से मांग है। बात अगर गांव में शिक्षा की करें तो गांव में जूनियर व प्राथमिक पाठशालाओं के अंतर्गत लगभग 62 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हुए नजर आए। जब एबीपीएस न्यूज की टीम ने प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कराने के उद्देश्य से प्रधान द्वारा लगभग 75 बिजली के पोल व 4 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में लगवाए जा चुके हैं। वहीं अगर गांव में सड़कों की बात करें तो प्रधान द्वारा RCC सड़कों का निर्माण भी कराया गया है और गांव को बेहतर स्थिति में लाने के लिए प्रधान द्वारा 23 सौर ऊर्जा प्लेटें भी लगवाई गई हैं, जिससे गांव में अंधेरे का निवास ना हो सके। वहीं 40 स्ट्रीट लाइटें भी पथ प्रकाशन के लिए लगवाई गई हैं। प्रधान ने बताया कि उनके द्वारा गांव में पुलिया निर्माण का कार्य भी बेहतर तरीके से कराया गया है, तो वहीं स्कूलों की पुताई व मरम्मत का कार्य भी वर्तमान प्रधान ने बेहतर तरीके से कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गाँव में एक पंचायत घर, बस स्टैंड, बारात घर, सरकारी ट्यूबवेल व प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही मुहिम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों की भी व्यवस्था सरकार जल्द से जल्द कराए, जिससे ग्रामीणों को किसी भी तरीके की परेशानी से ना जूझना पड़े। वहीं उन्होंने गांव में खेल का मैदान, हाई स्कूल व इंटर कॉलेज की मांग भी की है। मैं चौधरी जियाउल्ला, ग्राम मानपुर साबित, थाना डिलारी का निवासी हूँ। मेरी माता श्रीमती अफरोज जहाँ यहाँ से ग्राम प्रधान है, जिस लिए हमारी माता को यहाँ के ग्रामवासियों ने चुना था, आज मुझे उम्मीद है कि उसी हिसाब से वो काम कर रही हैं। इस क्षेत्र का, इस गांव का बहुत विकास करा रही हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमने काम कराया वो लाइट्स का काम कराया, जो हमारे यहाँ कम से कम 45-40 के आसपास स्ट्रीट लाइट्स लगवाई गई हर खंभे पर। तो हमने जितने भी चौराहे हैं वहाँ पर सौर ऊर्जा लगवाई, कम से कम 23 सौर ऊर्जा हमारे यहाँ मानपुर साबित में अब तक लग चुकी हैं। यहाँ की स्कूलों की बहुत जर्जर हालत थी, बहुत बुरी खस्ता हालातों में थे, उनकी सबकी मरम्मत करवाई, उसकी वाइट वॉशिंग करवाई, और यहाँ पे जो रास्ते गड़बड़ थे, ख़राब थे, क्षतिग्रस्त थे, उन रास्तों पे भी कोशिश की जा रही है। बहुत से रास्ते बनवा दिए गए हैं और बहुत सौ पे भी अभी काम चल रहा है, क्योंकि 3 वर्ष का और समय है, तो कोशिश की जाएगी कि उन रास्तों को भी यहाँ मानपुर साबित में सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए, उन रास्तों को भी बनवा दिया जाएगा। सफाई सुथराई के लिए यह है कि हमारे यहाँ किसी पिछले 8 महीने से किसी सफाई कर्मी की व्यवस्था नहीं है, हमारे गांव में किसी की नियुक्ति नहीं है, हमारे यहाँ सीट खाली है, लेकिन फिर भी हम अपने पास से और हमारे गांव वाले अपने घरों के सामने खुद ही सफाई करते हैं, और हम अपने पास से भी जो भी कुछ उपलब्ध होता है वो हम सेवा देते हैं, जिससे हमारे गाँव की साफ़ सुथराई बनी रहे। लेकिन सरकार को ये चाहिए कि हमारे गाँव में नियमित तरीके से सफाई कर्मी आना चाहिए, उसकी नियुक्ति करनी चाहिए। इस सरकार में एक चीज़ और हुआ है कि विकास बाधित हुए हैं। नई नई योजनाएं जो चल रही थी, जैसे समाजवादी पेंशन योजना चल रही थी, वो बंद कर दी गई, जिससे बेचारी गरीब महिलाओं की जो 300 रुपये प्रति माह पाती थी उनसे भी वंचित हो चुकी हैं। इसलिए मैं सरकार से भी दरख्वास्त प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी नई योजना जल्दी लागू करें, क्योंकि 1 वर्ष इस सरकार को भी हो चुका है। राशन प्रणाली की व्यवस्था भी हम लोगों ने बहुत सुधारी, जैसे पहले होता आया है कि भाई दो महीने तक नहीं बढ़ता था, और वो अब हर महीने नियमित रूप से बढ़ रहा है और गरीबों को भी राशन मिल रहा है, उपलब्ध हो रहा है। हमारा यही कहना है सरकार से कि हमारे यहाँ एक स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है, स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र तो बना दिया, लेकिन आज तक वहाँ कोई किसी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। हम अपील करते हैं सरकार से कि हमारे यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, जिससे महिलाओं का जो छोटा मोटा कोई अगर रोग है तो उसको यहीं पर निपटा दिया जाए। आगे बड़े अस्पताल, क्योंकि यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर मुरादाबाद है, वहाँ जाते हैं लोग बाग दिखाने, तो केंद्र है वो, सिर्फ हम उस केंद्र को देख सकते हैं, उसमें ताला लगा रहता है, उसमें कोई भी सेवा नहीं दी जाती डॉक्टर के द्वारा, ना उनके ANM के द्वारा।
तो हमारा यही आपसे ये अनुरोध है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारी बात ही सरकार तक पहुँचाएँ और सरकार इन कामों को करे। अच्छा, एक चीज़ और है, हमारा गांव जो है मेन हाईवे पे लिंक है, हमारा गांव मेन हाईवे पे है, जिसकी वजह से हमें यहां पे बहुत ज़रूरत पड़ती है एक यात्री शेड की। हमारे यहां कोई बस स्टैंड नहीं है। हम ये भी अपील करते हैं कि हमें यहां पे बस स्टैंड उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ये चार गाँवों का पॉइंट है, चार गाँवों का बस स्टॉप है। यहाँ चार गाँवों की बेचारी लड़कियाँ, महिलाएँ और बुड्ढे बुज़ुर्ग, ये सब बेचारे वहाँ खड़े रहते हैं, बसों का आधे आधे घंटे इंतज़ार करते रहते हैं। बारिश पड़े या धूप पड़े, वो बेचारे वहीं हैं, छुपते रहते, भीगते रहते हैं, खड़े रहते हैं। उनके लिए कोई भी बस स्टैंड की सुविधा नहीं है। लेकिन हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम भी कराएं, लेकिन सरकार अगर करे तो ज़्यादा बेहतर है इन चीज़ों को, जिससे हमारे गाँव में और रौनक और चमक पैदा होगी। धन्यवाद। ग्रामीणों ने ABPS न्यूज़ टीम से बात करते हुए प्रधान द्वारा कराए गए सभी कार्यों की समीक्षा की और बताया कि गांव में पानी की आपूर्ति की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन पानी की निकासी का रास्ता बेहद ही खराब है। वहीं उन्होंने बताया कि गांव में स्वास्थ्य सेवाएं भी बंद बस्ते में पड़ी नजर आती हैं, जिसकी वजह से छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी गाँव वासियों को शहर की ओर रुख करना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों को खासा दिक्कतें सामने आती हैं। साबित का रहने वाला हूँ, मेरा नाम भूरा है और मैं जब से इस गांव में पैदा हुआ हूं, आज तक भी ऐसे सफाई, ऐसे विकास नहीं देखने मिला है। और जो अब गांव में रोशनी हो रही है, अगर रात को बच्चा भी निकल जाए घर से बाहर को तो कोई परवाह नहीं है। और मिड डे मील जो यहां चलता है स्कूलों में, इतना बेहतरीन चल रहा है कि बहुत ही बहुत बढ़िया। बच्चे भी जाके अगर कुछ इंक्वायरी करो तो एकदम सब बताएंगे कि फल भी मिल रहे हैं, खाना भी मिल रहा है बढ़िया, सब्जी भी ढंग की मिलती है खाने की, और गाँव का विकास बहुत बढ़िया हो रहा है।